यूक्रेन पर रूस का सबसे विध्वंसक हमला देखिए आप। 24 घंटे में रूस ने ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, यूक्रेन के 9 इलाकों को निशाना बनाया है रूस ने। सुमी, ज़ापोरिज़िया, खार्किव, कुप्यांस्क में भीषण हमला किया यूक्रेन ने। लुहांस्क, डोनेस्क, मिकोलिव, खेरसोन भी दहल गया है रूस के इस हमले से। एक बार फिर बड़े हमले किए हैं यहां पर रूस ने यूक्रेन में। जल्दी से वॉल पर आपको दिखाते हैं रूस का विध्वंसक अटैक, कहां कहां अटैक किए गए हैं समझिए। और एक नहीं, दो नहीं, मल्टीपल अटैक्स हुए हैं रूस की तरफ से। बिग वॉल पर आपको दिखाते हैं, आप देखिए ये है रूस के विध्वंसक अटैक का मैप। चेर्निहिव 3 हमले, सुमी में 118 अटैक किए गए हैं आप देखिए। इसके अलावा आप ज़ापोरिज़िया देखिए, 66 अटैक यहां पर किए गए हैं। खेरसोन में 56 हमले किए गए हैं। ये अटैक की यहां पर हम आपके सामने न केवल मैप रख रहे हैं अटैक का, बल्कि बता रहे हैं कहां पर किस तरह से अटैक किया गया। विजुअल्स भी हम आपको वो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस वॉर को एक बार फिर से फैलाना चाहता है रशिया। आइए अब आपको बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर किस वेपन से हमला किया, किस वेपन से 24 घंटे तक कैसे दहला है यहां पर यूक्रेन। मिसाइल से हमला किया गया, आर्टिलरी से किया गया, MLRS, ड्रोन, बमबारी की गई फाइटर जेट से, और BM-21 जो ग्रैड मिसाइल है उससे भी यहां पर हमला किया गया। यानी हर हथियार यहां पर रूस ने अपना खोलकर रख दिया है यूक्रेन के सामने। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि ताइवान की बड़ी खबर है, चाइना की बड़ी खबर है, इस खबर पर आगे बात करने से पहले आइए जरा ताइवान पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ताइवान पर इस वक्त टेंशन बहुत ज्यादा हाई है। और चीन क्या ताइवान के मुद्दे पर वर्ल्ड वॉर करा देगा।